दोस्त, रेलवे भर्ती 2019-20 में अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी जो आज से 10 दिन पहले से चलते आ रहा है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है। तो ये कौन सा है? आरआरबी साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसको बोलते हैं एससीआर, आरआरसी के टर्म में। लेकिन पोस्ट की संख्या देखेंगे तो 4103 पोस्ट है। आपको अप्लाई करने के लिए 15 से 24 वर्ष एज के बीच में होता है। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे कि इसका बेनिफिट कहाँ होता है। तो जब ग्रुप डी की आपने इस बार एप्लीकेशन देखा होगा, उसमें क्या हुआ था, जो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट थे, जिसको CCA करके दिया हुआ था, 30 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। और नॉर्मल कैंडिडेट जो हो, ITI हो या 10th पे अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन 70 नंबर पे भी नहीं हुआ था। यानी ये 40 नंबर का हक गैप ये बहुत मायने रखता है। अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो दूसरी बेनिफिट मिलती है, अगर आप कोई एग्ज़ाम देंगे ग्रुप सी या ग्रुप डी का रेलवे का, तो वहाँ एज बेनिफिट आपको 5 से 7 साल तक बढ़ जाता है। यानी आगे की एजों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉर्मल में है, कम्युनिटी में हैं, तो नॉर्मल के कम्युनिटी के अनुसार से अभी तक वैकेंसी में 31-32 में आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर रखा है तो 5 साल और आपको टाइम मिल जाएगा। और ये अप्रेंटिस 1 साल का होता है। फी यहाँ पे 100 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। क्वालिफिकेशन 10th और ITI चाहिए। प्लस इसके लिए आपको 1 साल के लिए कुछ ना कुछ स्टिपेंड्स रेलवे द्वारा पैसे के रूप में दिया जाता है, जो आप उस वर्क को करते हैं, साथ में कुछ सीखते हैं रेलवे के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, तो ये कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हर बार लोगों का कमेंट आता था कि इसकी हमें डिटेल में कौन से वेबसाइट पे जाना है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए उस पेज पे चलते हैं और लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये आपका पेज है साउथ सेंट्रल रेलवे का, जहाँ से ये अप्रेंटिसशिप की अप्लाई होगी। गलत जगह पे जाइएगा तो नहीं होगा। ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, इसमें देखेंगे तो यहाँ से क्लिक हेयर टू डाउनलोड डिटेल नोटिफिकेशन कर सकते हैं। और नीचे में जाके आप यहाँ से कर सकते हैं प्रोसीड फिलिंग अप अप्लीकेशन, यहाँ से अप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। लेकिन अप्लीकेशन फिल करने से इतने सारे डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपका, SC ST सर्टिफिकेट, 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह वगैरह स्कैन करके रखना है, जो आप डिटेल में भरना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करेंगे तो हमें ईमेल आईडी मांगेगा, तो हम ईमेल आईडी तो फिलहाल है नहीं, मैं यहाँ पे भरना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल के सेंड OTP करेंगे, तो ईमेल आईडी पे आपको OTP आ जाएगा। उस OTP को यूज करके आगे प्रोसेस की होगी, और यहाँ से सेलेक्ट करके IM नॉट रूबिट करना है। तो चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, हम नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो नोटिफिकेशन हमें डाउनलोड करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके जो डाटा है वो मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन कब से फिल कर सकते थे ऑनलाइन, तो ये आपका 9/11 से है टाइम ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन का। लेकिन आज कब तक कर सकते हैं, तो 8/12 तक। आज है आपका 18 तारीख, यानी आपके पास अभी बहुत टाइम है। लेकिन देख के भरिएगा, सारी प्रोसेस देख के देखिएगा। 4103 वैकेंसी है, जिसकी अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है, कौन सा जगह पर भरना चाहते हैं और कौन जगह आपकी मेरी पूरे डिटेल में देखें। यहाँ पे पूरी डिटेल में देखेंगे तो सारा दिया हुआ है, लिली गुड़िया जो जो आपको काजीपेट, जहाँ सिकंदराबाद, उसके बाद मौली, जहाँ जहाँ आपका है टोटल डिटेल दिया हुआ है। इस डिटेल को आप देख लेंगे, उसके बाद ये जब भरने जाएंगे तो नीचे की तरफ आप गए तो सारा एक एक जहाँ जहाँ की ये वैकेंसी है, CNDW, तिरुपति, गुट्टी, गुंटकल, जहाँ जहाँ का है सब यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्णा, नांदेड़, सबका है। लेकिन आपकी कौन सी ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ITI है तो, अगर ITI नहीं भी है तो इनमें से एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें AC मैकेनिक है, कारपेंटर है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिशियन है। लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में है, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बाद दूसरा फीटर वाला 7 नंबर पे 1460 पोस्ट है टोटल में। यहाँ देखेंगे तो टोटल डिटेल है। कैटेगरी वार अगर देखना चाहेंगे तो SC ST OBC WS UR वगैरह वगैरह नीचे की तरफ सारी आती जाएगी। और इसमें देखेंगे तो टोटल जाके फाइनल नॉर्मल से हट के टोटल 4103 वैकेंसी है। साथ में इसमें रिजर्वेशन की जो बेनिफिट दिया गया है, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। साथ में आप कहा जा रहा है कि आगे की प्रोसेस में देखिएगा, तो आगे में एक सर्विसमैन के लिए क्या क्या होना चाहिए वो है, और भी जो जो रिजर्वेशन है सारी डिटेल दिया हुआ है। EWS के लिए भी अप्लाई करना है,
तो उसके लिए भी डिटेल दिया हुआ है। एज कब तक काउंट होगा ये देख लीजिएगा, 8-12 से काउंट होगा आपका। एससी एसटी ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल रिलैक्सेशन है, लेकिन नॉर्मल एज 15 से लेकर 24 तक है, जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और एक सर्विसमैन के लिए कुछ सीटें रिजर्व है, उसकी बारे में भी दिया हुआ है। और साथ में आगे देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10th में 50% या ITI होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मेरिट लगेगी तो दोनों की ITI और 10th दोनों को देख के लगाया जाएगा, दोनों की इक्विवेलेंट मार्क्स इक्वल इक्वल कैटेगरी में दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ट्रेड बाई डिकेट है, साथ में मोड ऑफ आपका पेमेंट है। तो पेमेंट जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको उसी वेबसाइट की जो लिंक हमने दे दिया है वहाँ से जाके आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पेमेंट सारी प्रोसेस होने के बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद में आपका डिटेल ये आ जाएगा सारा एक एक करके। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिएगा तो यहाँ देखिए ITI ये मेरिट कम पे होगा, जो आपका 10th और ITI में जो मार्क्स है उसके आधार पे होगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई के लिए ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो प्रोसेस दिया हुआ है। उसके बाद आपको सेकंड फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह स्कैन करके अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट भी देना है अपलोड के रूप में, उसके साथ आपको बहुत सारी प्रोसेस इसमें दी हुई है। तो डिटेल में एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। तो कह सकते हैं जो लोग चाहते हैं और परफॉर्मा है, जिनको अगर नहीं है OBC SC ST डिसबिलिटी, वो सारा आपका यहाँ पे दिया है डिसेबिलिटी का, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है 4103 पोस्ट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।